नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ठंडार बॉय पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिनों से कोई भी वीडियो YouTube चैनल पर नहीं आई है, अपने ठंडार बॉय चैनल पर नहीं आई है, क्योंकि इसका कुछ कारण रहा था। मैं बीच में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। और सोशल मीडिया पर भी मैं बहुत कम एक्टिव था इन दिनों, डेढ़ दो महीनों के अंदर, तो मैं वीडियो नहीं लेके आया, और उम्मीद है अब वीडियो आती रहेगी। आज का हमारा जो वीडियो है वो इस उद्देश्य पर होने वाला है कि ठंडार की उत्पत्ति या ठंडार शब्द का क्या मतलब है। बहुत सारा राजा महाराजा ऐसे हैं जिन्होंने ठंडार नाम भी धारण किया हुआ है, वो क्यों, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। ओरिएंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बनारस के प्रिंसिपल श्रीमान बालकृष्ण मिश्र ने ठंडार शब्द का शुद्ध रूप बताया है। उन्होंने इसका अर्थ बताया है कि खड और आती से बताया है, मतलब तलवार धारण करने वाले वीर योद्धा ठंडार कहलाए हैं। प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा भूपू, प्रोफेसर विश्वविद्यालय श्रीलंका एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग के अनुसार ठंडार शब्द की उत्पत्ति ठंड प्लस आर शब्द से हुई है, जिसका मतलब तलवार धारण करने वाला बताया है। डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, जो कि प्रधानाध्यापक इतिहास विभाग शाह महाविद्यालय रतलाम से हैं, उन्होंने बताया है कि ठंडारों की प्राचीन काल से शस्त्र धारण करने वाले जो कि क्षत्रियों की संतान है। पहले के युग में शस्त्र धारण करने वाले जाति या संघ के नाम धारण करने की परंपरा रही थी, जैसे धनुष बाण का प्रयोग करने वाले जयावने तथा फरसे का प्रयोग करने वाले परशु कहलाए। इसी प्रकार तलवार का प्रयोग या फिर छठ का प्रयोग करने वाले ठंडार कहलाए। खड़ग द्वारा आहार प्राप्त करते थे जो हुकार क्षत्रिय सुत उन्हीं वीरों का नाम पड़ा ठंडार। कभी देश धर्म और जाति की रक्षा हित कर में करबाल सदा जिनके थिरकती थी। हे ठंडार, वही वीर जिनका पुरुषार्थ देख देशद्रोहियों की नित छाती धड़कती थी। ठंडार एक गौरवमयी नाम रहा है जो बहादुरी का सूचक है, तभी तो भारतीय क्षत्रिय जातियां अपनी संतानों के नाम ठंडार रखती थी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इतिहास की दूसरी वीडियो के साथ, समाज की दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।